खरगोन उद्वहन योजना के पिपरी तालाब में गुरुवार को पुलिस ने युवक का शव बरामद किया है। युवक मंगलवार से लापता था। बुधवार शाम को युवक के पिता की बाइक तालाब पर नजर आने के बाद से सर्चिंग की जा रही थी। एसडीओपी राकेश शुक्ला ने बताया, मृतक की शिनाख्त अभय पाटीदार निवासी डालका के रूप में की गई है। युवक बुधवार सुबह 11:30 बजे घर से पिता की बाइक लेकर निकला था। उसने पिता को कहा था कि वह नीट परीक्षा का परिणाम देखने जा रहा है। इसके बाद से घर नहीं लौटा। पुलिस को शिकायत के बाद युवक की तलाश शुरू की गई थी, जिसमें मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवक बिस्टान नाका क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आया था। इसके बाद बाइक तालाब पर मिलने से गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई थी, जिसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे अभय का शव बरामद हुआ। बेटे का शव देख मौके पर मौजूद परिजनों के होश उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। एक अभय पाटीदार करके बच्चा है जो डालका गांव का रहने वाला है। कल 11:30 बजे अपने पिताजी से मोटरसाइकिल लेके और पेपर लेके घर से ये कह के निकला कि मैं नीट के एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट देखने जा रहा हूँ। फिर वो वापस नहीं लौटा। 1:30 बजे करीब उसके पिताजी ने उसको फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पुलिस में आए, फिर यहाँ पुलिस ने भी छानबीन की, जो हमारा टेक्निकल मदद हो सकती है वो की। तो वो करीब 12 बजे बिस्टान नाके पे हमारे कैमरे में दिखा। उसके बाद करीब 3:30-4 बजे उस गांव से, पीपरी गांव है, वहां से एक व्यक्ति का उनके पिताजी के पास फ़ोन आया कि आपकी मोटरसाइकिल यहां खड़ी है, उसमें उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं। पीपरी तालाब के पास फिर पुलिस भी पहुँची और उनके पिता भी पहुँचे, तो वहाँ उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी और उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसकी जो जूते हैं और चप्पल वो जो है वहाँ रखी हुई थी तालाब किनारे, और वो लापता था। ये आशंका हुई कि संभवतः इसमें ना गिर गया हो तालाब में। तो रात से ही एसडीआरएफ की टीम हमारी वहाँ पहुँच गई। हमारे जो होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं वो भी वहीं हैं। 10 लोगों की टीम है, पुलिस भी है, रात भर से छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वो अभी बच्चा नहीं मिल पाया है। एक और बड़ी टीम हमने महेश्वर से बुलाई है जो बड़े गोताखोर हैं, तो वो भी अभी वहाँ तलाश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।